Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Student, question 2 पर देखते हैं, तो question 2 में है, from the prices of the share X and Y, दो share हैं, एक share X है, एक share Y, इनके prices जो हैं, given है, find which is more stable in value, हमें बताना है, कौन ज़्यादा stable, stability बतानी है, यानि कौन कम vary करता है, कौन ज़्यादा vary करता है, जो कम vary करेगा, वो stable होगा, ज़्यादा vary करेगा, वो stable नहीं है, तो यहाँ पर अब मैं covariance निकालूंगा, covariance X का और Y का निकालूंगा, again उन्हें compare करूं, तो अगेन यहाँ जो डाटा दिए हैं, अगेन ये डिस्क्रीट डाटा है, क्योंकि x के अलग दिए हुए हैं हमें 35, 54, 52 एंड सो ऑन, और y के अलग दिए हुए हैं 108, 107, 105 एंड सो ऑन। तो अगेन यहाँ पे अब मैं सिंपली डिस्क्रीट के लिए मैं सिंपल फॉर्मूला लगाऊंगा, पहले मैं वेरियंस निकालूंगा, देन उनका कोवेरियंस, इसके लिए मीन भी पता होना चाहिए, एंड अगेन मैं एक ही टेबल में दोनों निकाल लूं। सी नाउ स्टूडेंट, दिस फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे x की सारे डाटा लिख देता हूँ, दिस इज x, और उसका समेशन अगर मैं करूं 35 प्लस 54 प्लस 52, ये कितना आएगा 504। सिमिलरली आप y का यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज मैं y का लिख देता हूं और इनका समेशन मैं करूंगा, तो जब आप समेशन यहां पर मैंने किया, समेशन मुझे क्या मिला 1050। अब मैं यहां पर क्या निकाल देता हूं, xi, यानी xi का x मीन, जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, साथ ही मैं y के लिए भी y मीन के साथ डिफरेंस निकालूंगा, तो उसके लिए मुझे मीन पता होना चाहिए, तो मीन के लिए अगेन मैं यहां पर वैल्यूज तो एक्स आई और वाई आई की मुझे पता ही लग गई, तो एक्स मीन क्या आएगा, एक्स आई अपॉन में एन, एन यहां पर टोटल हमारा कितना है, एन इज 10, 10 ऑब्जर्वेशन, तो 510 को जब 10 से डिवाइड कराएंगे तो 51 आएगा। सिमिलरली वाई मीन निकालिए, दिस एंड वाई का समेशन 10 से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 105, ये कितना आ रहा है स्टूडेंट, ये 105 में लिख देता हूं, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 100, ये 105 के बराबर है ये वैल्यू। नाउ स्टूडेंट, अब आपके पास वैल्यू मिल गई है 51 एंड 105, तो अब आप ये वाली टेबल कंप्लीट कर सकते हैं, तो 35 में से 51 माइनस होंगे तो -16, 54 में से 51 को माइनस करेंगे 3 एंड सो ऑन, ये सारा जब माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सारा डाटा कॉलम आपका फिल हो जाएगा। नाउ दिस उसी तरह वाई मीन, वाई मीन कितना है 105, 108 को 105 से माइनस कराएंगे 3 मिलेगा, 107 माइनस 105 कितना मिलेगा 2 एंड सो ऑन, ये सारा का सारा आपको मिल जाएगा। अब इनके स्क्वायर करके भी लिख दीजिए, क्यों, क्योंकि आपको वेरिएंस निकालने के लिए इनका स्क्वायर पता होना चाहिए, तो दोनों के मैं स्क्वायर करके लिख रहा हूं लाइक दिस, तो ये स्क्वायर लिख रहा हूं, -16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256, 3 का स्क्वायर इज 9, सो ऑन 3 का स्क्वायर इज 9, 2 का स्क्वायर इज 4 एंड ये आप इस तरह से निकालते रहेंगे, ये वैल्यूज आ जाएगी और इनका समेशन भी मैंने साथ साथ निकाला हुआ है, तो फर्स्ट समीशन मेरा यहां पर कितना आ रहा है, दिस समीशन मैं लिख देता हूं, ये जो आ रहा है दिस इज सिग्मा एक्स माइनस एक्स मीन का स्क्वायर, और ये हमारा क्या है सिग्मा, दिस इज वाई माइनस वाई का मीन का स्क्वायर, दिस इज ये स्क्वायर ऊपर की तरफ, मैं इसे दूसरे कलर से लिख देता हूं स्टूडेंट, दिस इज वाई माइनस वाई मीन का स्क्वायर, ये समीशन है यहां। नाउ स्टूडेंट, ये वैल्यूज आपको आ गए, अब ये इन वैल्यूज से आपको वेरिएंस निकाल सकते हैं, तो सी फर्स्ट के लिए दिस, फर्स्ट के लिए दिस, इसका अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जाए, पहले कोवेरियंस के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन ये हो जाएगा और इसमें आप वैल्यू रखेंगे, ये वैल्यू कितनी आई 350, आप देख सकते हैं एक्स माइनस एक्स मीन का होल स्क्वायर, इसका समीशन 350 था डिवाइडेड बाई 10 जो कि एन की वैल्यू है, तो वैल्यू कितने के बराबर आएगी, वैल्यू 5.98 जब आप कैलकुलेट करें। सिमिलरली स्टूडेंट, आप वाई के लिए निकालिए तो ये आ जाएगी वैल्यू, और वाई का कितना आया था यहाँ पे समीशन, वाई का समीशन जो आया था 40 आया था, यानी वाई आई माइनस वाई मीन का स्क्वायर का समीशन 40 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा आपका 4 और 4 का यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, तो ये 2 आ गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वाई, वाई से इसके। अब इनका कोवेरियंस निकाल दीजिए, दिस इज अ कोवेरियंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज कोवेरियंस, नथिंग बट इज कोवेरियंस सी, एंड अगेन यहाँ पे हम y का सीवी भी निकालेंगे कोवेरियंस, तो ये कितना आ जाएगा ऑफ x, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय मीन ऑफ x इनटू n, दिस, एंड अगेन सिमिलरली दिस n मैंने स्टूडेंट लिख दिया, दिस इज नॉट n, दिस इज ये जो है वैल्यू हमारी, दिस वैल्यू इज नॉट 10, इस वैल्यू इज 100, यहाँ पे n लिखा गया है, दिस वैल्यू इज
तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, दिस इज 100 वैल्यू, ये वैल्यू 100 है, तो ये आपका कोवेरियंस आ जाएगा। नाउ फर्स्ट जो कोवेरियंस आ रहा है आपका ये आ रहा है 11.61, ये कैलकुलेशन करने के बाद। सेकंड में सिमिलरली आप कोवेरियंस निकालेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 डिवाइडेड बाय y मीन इज 105 इन 200, दिस वैल्यू इज 1.9। तो आप देख रहे हैं कोवेरियंस ऑफ x इज 11.61 एंड कोवेरियंस ऑफ y इज 1.9। कोवेरियंस ऑफ y इज लेस देन कोवेरियंस ऑफ x, देयरफॉर स्टेबल यहां पे कौन है, जिसका वेरियंस ज्यादा है वो कम स्टेबल, जिसका वेरियंस कम है वो ज्यादा स्टेबल। तो वेरियंस y का कम है तो देयरफॉर y इज मोर स्टेबल, तो y का जो डाटा है वो ज्यादा स्टेबल, y शेयर की प्राइस स्टेबल।